हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सभी को स्वागत है रानी कुमारी के चैनल में। और कैसे हैं बताइएगा जरूर। और मैं एक फिर से आ गई हूँ एक नए टॉपिक पर आप सभी से बात करने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप सभी एंड तक बने रहिए। जो भी मुझको गलती समझ रहे हैं, जो भी सही समझ रहे हैं, जो भी जितना भी घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग बने रहिए। आप सभी कमेंट कर रहे हैं मेरे यार चैनल पर आके, कमेंट कमेंटिंग बॉक्स में आके कि तुम्हारी जैसी औरत किसी को ना मिले। और क्या कमेंट आ रहा है, तुम भगेड़ू हो। और बहुत बहुत कमेंट आ रहा है। धरती पता बहुत किस्म के इंसान है। तो सब लोगों को मैं कमेंट के हिसाब से जवाब देते चलूं तो सालों लग जाएगा। धरती पर बहुत किस्म के इंसान होते हैं। कोई अच्छा करता है, कोई खराब करता है, कोई एकदम भद्दा करता है। तो मैं आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ, मतलब कमेंट तो मैं देख रही हूँ आप सभी का। तुम भगेड़ हो, तुम ये हो, तुम्हारी जैसी औरत किसी को ना मिले। तो तुम जैसा मर्द ना और किसी को ना मिले, जो भी लेडीज हो। दुख सहो तो अच्छा है, तकलीफ में रहो तो अच्छा है। किसी को कोई भी मतलब मार दे, गाड़ दे, या किसी भी लड़की लेडीज शासन सहे, झगड़ा सहे, मार सहे, तो लेडीज सही है। और वही लेडीज अपना भाग के मतलब किसी मतलब हट के उस इंसान को छोड़ के अपना जिंदगी जब जीना स्टार्ट करती है तो आप सभी की नज़र में गलत हो जाती है। आप सभी तो यही चाहते हैं कि मतलब लेडी से किसी का मार सहे, टॉर्चर सहे, और वो से टॉर्चर सहते सहते किसी को जान से भी मार देना। तो आप सभी को जब सपोर्ट चाहिए ना, तो आप सभी कोई सपोर्ट नहीं करता है। और आप सब अंगुली उठाने को बोल दो ना, तो आप सभी सब लोग अंगुली उठाने लगते हैं। सपोर्ट तो किसी को करते नहीं, हेल्प तो किसी को तुम लोग करते नहीं। किसी को अच्छा तो बोलोगे नहीं, ज़्यादा ज़्यादा तुम लोग बुरा ही बोलते हो। भगेड़ी है, ये है, वो है, तुम किस गुस्सा हुआ था। एक इंसान बोल रहा है यूट्यूब पर, मैं देखी कि रानी उसका पति पूरी तरह से सपोर्ट किया, वीडियो वगैरह बनवाया, एल्बम बनवाया, और जब रानी सक्सेसफुल हो गई, लाखों रुपए कमाने लगी, तो अपने पति को छोड़कर भाग गई। ठीक है, मैं मान लेती हूँ सक्सेसफुल हो गई, चाहे जो भी लाखों, अच्छा मैं लाखों रुपए कमाती तो क्या मैं 6,000 रुपया लेके भागती घर से? जो मुझको इंजाम लगाया है कि 6,000 रुपया लेके भागी है, फूला बर्तन लेके भागी है, बताइए आप सभी। जब मैं रानी कुमारी महीना का लाखों रुपए कमाती तो क्या मैं किराए के भाड़ा पर रहती? कि उसी के साथ जैसा भी है, क्या मुझको, मैं लाखों रुपए कमाती तो क्या बोलता कि तुम वीडियो मत बना, वीडियो बनाना बंद कर दो? मेरे फैमिली बोलते, मेरा पति बोलता तुम वीडियो मत बनाओ। बताओ, तुम सभी इतना अफवाह फैला रहे हो। तुम लोग तो किसी को सपोर्ट करोगे नहीं। जहां तक तुम लोग ना वो होता है ना, एक में से 4 गो, 4 गो में से 10 गो लगा के वीडियो बनाओगे कि ये वो फलान ठेकान हीरोइन बनने के लिए भागी, लाखों रुपए कमा रही थी, पति को छोड़ के भाग गई, भगेड़ी हुए, यही सब तुम लोग बोलोगे। मैं लाखों रुपए कमाती तो क्या मुझको वीडियो बनाने नहीं देता, साथ में वीडियो बनवाता, मेरा फैमिली भी मुझको सपोर्ट करता। इतना अफवाह भी ना, मैं देख देख एकदम पागल हो गई हूँ। इतना कमेंट में क्या रहा है, रानी भगेड़ी हो, तुम जैसा औरत किसी को ना मिले। तो तुम लेखा मर्द जहाँ पर मिलेगा ना, तो ऐसा औरत कदम उठाएगी। मैं तो फर्स्टिंग बार यूट्यूब पर कदम उठाई हूँ औरत के लिए। मैं उनमें से मैं औरत नहीं हूँ कि मैं इंसान को टॉर्चर सहूंगी। ठीक, मैं किसी का टॉर्चर सहूँ, मार सहूँ, मैं उन लोगों में से औरत में से नहीं हूँ। आप लोगों को जो समझना होगा आप लोग समझिए, मैं भगड़ी हूँ क्या हूँ। आप लोग अगर वीडियो मेरा नहीं पसंद आता है तो मत देखिए, लेकिन इतना भी ना आप लोग मत कीजिए कि किसी को ना कमेंट पढ़ के दुख पहुँचे या किसी को सोचना पड़े कमेंट में। कमेंट जब अगला इंसान पढ़ता हो तो उसी कमेंट पर 10 बार सोचे। तुम लोग कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हो। तुम लोग ना दुनिया पर खाली लोगों पर खाली अंगुली उठाना हो या कीचड़ उछालना हो, आप सभी आगे रहते हैं। यार कहाँ का बोले, समझ से बाहर बटे यार, इतना दिमाग में हैंग हो गई बटे। और हाँ, मेरे पति,
आप सभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति रो रहा है, तुमको अपनाएगा। मेरे ससुराल से, मैं जहां से भागी हूँ वहां से फोन किया जा रहा है मेरे मायका में कि डिवोर्स रानी कब दे रही है, और यूट्यूब पर आके रो रहा है। आप सब तो देखने तो नहीं जा रहे हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। बस आप लोगों को तो ये दिख गया कि तुम्हारा पति अच्छा है, ये है वो है, रो रहा है। मेरा पति कैसा था, मेरा फैमिली कैसा था, आप लोग तो वो नहीं देखने गए हैं। बस ये देख लिए कि रानिया भाग गई है। कितना बार, एक बार नहीं कितना बार फोन गया रानी डिवोर्स के बारे में, कब रानी डिवोर्स दे रही है। मेरे मायका में फोन जा रहा है, मेरे ससुराल वाले फोन कर रहे, गाली गलौज कर रहे हैं पूरा। आप लोग देखने जा रहे हैं कि मैं आप लोगों को सुनाऊं? आप लोग सुनिएगा तब विश्वास कीजिएगा। मुझे आप लोगों को सफाई नहीं देना है, नहीं मैं अपने बारे में मैं अपना सफाई देना चाहती हूँ। आप लोग को जो समझना है समझिए, मुझको कोई सफाई नहीं देना है। कोई कोई वीडियो बनाए रानी अपनी घर वापस आ गई है, अपने फैमिली में आ गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नहीं, मैं वापस गई हूँ और नहीं मैं जाना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी हूँ सही हूँ। वो भी डिवोर्स के बारे में मेरे मायका में बात कर रहे हैं कि डिवोर्स रानी कब दे रही है यार जल्द। और मैं भी डिवोर्स दे दूंगी, देना है मुझको। और आप लोग बोल रहे हैं रानी वापस चली गई है अपने जिंदगी में, ये वो। मैं देखी वीडियो, कुछ लोग वीडियो बनाए हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं उनके ज़िंदगी में ना ही मैं गई हूँ और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। मैं जहाँ हूँ सेफ हूँ सही हूँ, और समय आएगा तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी कि मैं कब शादी कर रही हूँ। कर नहीं रही हूँ, कर लूँगी। जब करूँगी तब मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूंगी कि मैं किस इंसान से मैं शादी करने जा रही हूँ, या क्या जो भी। मैं दूसरा सा शादी बोली हूँ करने के लिए, सो करूँगी। मैं उनके लाइफ में नहीं जाऊँगी, नहीं गई हूँ। तो आप लोगों को वीडियो बनाया ना, रानी वापस चली गई है, मैं वापस नहीं गई हूँ, मैं जहाँ हूँ सही हूँ। ठीक है, और आप सभी कमेंट कर रहे हैं ना, भगेड़ू आल जाल कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप सभी को मन में जो आए सो कमेंट कीजिए। आप सभी किसी को सपोर्ट मत कीजिए, बस जहाँ से हो सके ना उसको गलत ही बोलिएगा। ये दुनिया है जनाब, सही किसी को कहाँ कोई बोलेगा। जहाँ तक आप सभी उंगली उठाएंगे, ये है वो है घटिया है, आप लोग करिए। ठीक है, वीडियो लंबा जा रहा है तो देखते हैं आप लोग किस किस मुद्दे पर और क्या क्या बोलते हैं कमेंट में, बस यही देखना है हमको। ठीक है, बाय बाय। जो लोग भी हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। मैं इतना ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मेरे ब्लॉगिंग में जाके देखिएगा, मैं पर डे ब्लॉगिंग नहीं डालती हूँ। मैं डालना भी नहीं चाहती थी इस मुद्दे पर, मैं तो थोड़ा सा डाली थी बारिश वाला, और देखी मैं आप सभी का वीडियो, तो मैं कमेंट भी देखी तो मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया कि आप सभी को थोड़ा बोलूँ। ठीक है, बाय बाय।